Yes, friends. So now we can continue your question number five. And page number 5.28. Again, note number one, and this is given. All right, friends. YOYO Limited presently has 36 lakhs rupees in debt outstanding bearing an interest rate of 10%. तो पहले अपना प्रेजेंट डेप्ट अपने को दे रखा है 36 लैक्स और उसके ऊपर इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10%, इट मींस आपका इंटरेस्ट आएगा 3,60,000। योयो लिमिटेड, जैसे ही आप क्वेश्चन को रीड करते हैं ना, आप लिखते जाइए तो आपको काफ़ी इजी हो जाएगा। योयो लिमिटेड प्रेजेंटली हैज 36 लैक्स इन डेप्ट आउटस्टैंडिंग बियरिंग एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 10%। इट विशेज टू फाइनेंस 40 लैक्स एक्सपांसन प्रोग्राम। अब इसको फंड्स चाहिए, रुपीज 40 लैक्स। इट विशेज टू फाइनेंस 40 लैक्स एक्सपांसन प्रोग्राम एंड इज कंसिडरिंग थ्री ऑल्टरनेटिव्स। एडिशनल डेप्ट 12% पर एनम, या तो डेप्ट एट द रेट ऑफ 12%, इट मीन्स आपका इंटरेस्ट अमाउंट हो जाएगा रुपीज 4,80,000। दैट इज द ऑप्शन वन। इट विशेज टू फाइनेंस 40 लैक्स प्रोग्राम एंड कंसिडरिंग थ्री ऑल्टरनेटिव्स, राइट। आपका ये हो जाएगा ऑल्टरनेटिव वन, देन यू गो ऑल्टरनेटिव टू, देन यू गो ऑल्टरनेटिव थ्री। प्रोग्राम एंड कंसिडरिंग थ्री ऑल्टरनेटिव्स, एडिशनल डेप्ट 12% पर है ना, प्रेफरेंस 11%, इट मीन्स प्रेफरेंस कैपिटल 11% इंटू 40 लैक्स इज योर फोर लैक 40,000। एंड इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ 16 पर शेयर, इक्विटी आपका अमाउंट हो जाएगा 40 लैक्स, 16 रुपीज पर शेयर, इट मीन्स योर 40 लैक्स डिवाइडेड बाई 16 इज कम्स टू 2,50,000 शेयर्स। Numbers. The company present has 8 lakh share outstanding and tax rate 40%. Tax rate आपका दे रखा है 40% और old number of shares हैं अपने पास 8 lakhs. इसमें तो कुछ नया नहीं इशू हुआ है तो total हो जाएंगे 8 lakhs numbers. 8 lakhs old numbers हैं और इसमें 8 लैक्स और ऐड कर देंगे हम लोग, ये हो जाएगा 10,50,000। 8 लैक्स एंड 10,50,000। इफ अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स प्रेजेंट 15 लैक्स, डिटरमाइन अर्निंग पर शेयर थ्री ऑल्टरनेटिव, एज्यूमिंग
नो इमीडिएट इंक्रीज, इसका मतलब जो ईबीआईटी अभी आपका है एट प्रेजेंट में, जो आपका ईबीआईटी है 15 लैक्स, उतना ही ईबीआईटी आपका रहेगा। इफ अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आर प्रेजेंटली 15 लैक्स, डिटरमाइन द अर्निंग पर शेयर फॉर थ्री ऑल्टरनेटिव्स एज्यूमिंग नो इमीडिएट इंक्रीज। आर यू गेटिंग फ्रेंड्स, इज दिस क्लियर? क्या है आपका टैक्स रेट 40% है, प्रेजेंट आपका डेप्ट है 36 लैक्स, इंटरेस्ट और उस पर कितना आएगा 3,60,000, फंड्स अपने को कितना चाहिए 40 लैक्स। या तो अपन ऑप्शन वन ऑल्टरनेटिव वन में जाएंगे, पूरा की पूरा डेप्ट ले लें, 12% इंटरेस्ट हो जाएगा 480, या प्रेफरेंस कैपिटल इशू करें, प्रेफरेंस डिविडेंड देना पड़ेगा इक्विटी तो। ओके, ओल्ड शेयर्स हैं अपने 8 लैक्स, तो यहाँ 8 लैक ही रहेंगे, 8 लाख रहेंगे, 250 प्लस 8 लैक्स 3। ये पार्ट आपको क्लियर हुआ कि नहीं? सही है, सुनो। इफ द अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 15 लैक्स, डिटरमाइन द अर्निंग पर शेयर, अपना आ गया एरिया। इट मींस स्टेटमेंट शोइंग ईपीएस, ऑल्टरनेटिव वन, ऑल्टरनेटिव टू, ऑल्टरनेटिव थ्री। ई बी आई टी जो ओल्ड है, नो चेंज है, इट मीन्स इन रुपीज ऑल्टरनेटिव वन, ऑल्टरनेटिव टू, ऑल्टरनेटिव थ्री। ई बी आई टी है अपना रुपीज 15 लैक्स, 15 लैक्स एंड 15 लैक्स लेस, इंटरेस्ट कॉस्ट ओल्ड, रेफर नोट नंबर वन, 360 360 इंटरेस्ट न्यू, राइट, 4,80,000, रेफर नोट नंबर वन, यू कैन रेफर नोट नंबर वन, या तो प्रेफरेंस है या इक्विटी है। ये आपका आएगा अर्निंग बिफोर टैक्स, इट मींस 15 लैक्स माइनस 3,60,000 माइनस 4,80,000 इज 660, 1,500 माइनस 360 इज 1,140, 1,500 माइनस 360 इज 1,140 टैक्स 40%, 660 इंटू 40%, 264 अर्निंग आफ्टर टैक्स 396, इलेवन फोर्टी इंटू 40%, 456, 684, 1,140 इंटू 40%, 456,
684 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स इक्विटी। बस पहले अपने को प्रेफरेंस डिविडेंड भी देना पड़ेगा ना फ्रेंड्स, लेस प्रेफरेंस डिविडेंड। फर्स्ट केस में नहीं रहेगा लेकिन सेकंड केस में आ जाएगा, रेफर नोट नंबर 1, और थर्ड केस में नहीं रहेगा। अर्निंग आफ्टर टैक्स टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, इट मीन्स 384 माइनस 440 इज 244 एंड 684 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। यहाँ पे आपका 8 लैक्स, ये तो ओल्ड ही थे, नो चेंज, रिफर नोट नंबर 1। सेकेंड में भी आपके 8 लैक्स नो चेंज, यहाँ पे 250 आपने इशू किए तो हो जाएगा 10 लैक 50 और योर EPS विल बी 396 डिवाइडेड बाय 8 लैक्स इज 0.495, 244 डिवाइडेड बाय 8 लैक्स इज 0.305, 684 डिवाइडेड बाय 10 लैक 50 इज 0.651। If earning before interest and tax are presently 15 lakhs, determine the earning per share. Three alternatives, assuming no immediate increase in profitability, means आपका profit बढ़ेगा नहीं। Is this clear or not, friends? आपको क्या दे रखा है? EBIT है, right? Interest, then interest for new, earning before tax, अब tax pay कर दीजिए, earning after tax, preference dividend, earning after tax and then ये आपका EPS, सही है सर। Alternative 1, Alternative 2 and Alternative 3. Analyze which alternative do you prefer. Okay. Compute how much would EBIT need to increase before the next alternative would be best. अभी हम लोग तो analyze which alternative would you prefer. तो हम किसको prefer करेंगे? बोलो, हम किसको prefer करेंगे? This one, because equity में ही अपना सबसे ज्यादा आ रहा है ना, highest EPS कहां पर है? And next, before the next alternative आपको 0.495. So EBIT need to increase before the next alternative would be the best करके ना, इसका मतलब 0.651 बन है आपका। से यस और नो फ्रेंड्स, नेक्स्ट अगर आपको निकालना है, फॉर द प्रेजेंट ईबीआईटी लेवल इक्विटी शेयर आर क्लियरली प्रेफरेबल, ईबीआईटी वुड नीड टू इंक्रीज बाय 2376 माइनस 1500 876 फॉर द इनडिफरेंस पॉइंट बिटवीन डेप्ट, इट मींस सबसे पहले अपन को निकालना पड़ेगा इनडिफरेंस पॉइंट, इट मींस इन डिफरेंस पॉइंट किसके अंदर, बिटवीन डेप्ट एंड इक्विटी, क्योंकि उसने बोला है एनालाइज विच ऑल्टरनेटिव डू यू प्रेफर, ईपीएस पे हम लोग इसमें जाएंगे। कंप्यूटर हाउ मच विच द सेकेंड प्रेफरेंस हमारा कहां पे आ रहा है, डेप्ट पे आ रहा है ना, इट मींस
EBIT इक्वल टू एक्स लेस इंटरेस्ट 360 लेस इंटरेस्ट, दिस इज योर ओल्ड, दिस इज योर न्यू इज 480. This is earning before tax x minus 360 plus 480 is 840 and x minus 360. Pay tax, tax is 40%, it means 0.4x. 840 का 40% 336. सो अर्निंग आफ्टर टैक्स टू इक्विटी शेयर होल्डर इज 0.6x. Is 5,4.4x. 360 into 40% 144.6x 216 divided by number of shares 8 lakhs, number of shares 10,50,000, and for that you refer note number 1. अपन ने क्या किया फ्रेंड्स, हम लोगों ने पहले EBIT ले लिया, लेस इंटरेस्ट माइनस कर दिया, न्यू इंटरेस्ट माइनस किया, अपना ये आ गया 40% टैक्स माइनस किया, अर्निंग अवेलेबल टू ये आ गया, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ शेयर्स 8 lakhs 10,50, नोट नंबर. दिस पार्ट इज क्लियर ऑन नॉट. अब वी कैन कैलकुलेट द इनडिफरेंस पॉइंट, इट मीन्स योर 0.6x माइनस 5,04,000 डिवाइडेड बाई 8 lakhs इक्वल टू 0.6x माइनस 216 डिवाइडेड बाई 10,50,000. 8 इट मीन्स 10,50 डिवाइडेड बाई 800 इज 1.3125. सो इन टू 0.6 विल बी 0.7875x माइनस 5,04,000 into 1.3125 661,500 equal to 0.6x minus 216. Getting friends? It means 0.7875 minus 0.6 is 0.1875x equal to 661,500 minus 216 is 445,500 divided by 0.1875. 445,500 divided by 0.1875, and this comes to your indifference point comes to ये आपका 445,500 divided by 0.1875 will be 23,76,000. Say yes or no, friends.
23,76,000। तो ये अपना बी पार्ट चल रहा है आंसर का। फॉर द प्रेजेंट ईबीआईटी लेवल इक्विटी शेयर आर क्लियरली प्रेफरेबल, वो तो अपन ने निकाला ही था। सेकेंड बेस्ट है आपका ईबीआईटी वुड नीड टू इंक्रीज बाय 2376 माइनस 1500, इट मीन्स 2376 माइनस 15 लैक्स अगर अपन करते हैं तो अपना मीन्स 876 लैक्स आ जाएगा। बिफोर एन इंडिफरेंस पॉइंट विद डेप्ट रीच्ड, वन वुड वॉन्ट टू बी कंफर्टेबली अबव दिस इंडिफरेंस पॉइंट बिफोर ए स्ट्रॉन्ग केस फॉर द डेप्ट शुड बी मेड। द लोअर ऑफ द प्रोबेबिलिटी दैट द एक्चुअल ईबीआईटी विल फॉल बिलो द इंडिफरेंस पॉइंट द स्ट्रॉन्गर केस दैन कैन बी मेड फॉर डेप्ट, ऑल अदर थिंग्स रिमेन द सेम। दैट इज क्लियर ऑन ऑल। आपको कितने से बढ़ाना पड़ेगा? मिनिमम 876। All right. So that is the end of your part one. जो part two अपन बोल रहे हैं, अपन part one करेंगे अब, जो आपके में है मॉड्यूल के हिसाब से जो चल रहा है। मैंने आपको part one बनाया, ये capital structure के दो part, एक आपका capital structure और दूसरा था आपका वैल्यूएशन ऑफ फर्म, वैल्यूएशन ऑफ फर्म, वैल्यूएशन ऑफ फर्म। कैपिटल स्ट्रक्चर अपना हो गया कंप्लीट, अब आ जाते हैं अपन वैल्यूएशन ऑफ फर्म। देखो वैल्यूएशन ऑफ फर्म है फ्रेंड्स, आपको पहले ध्यान रखना है, वैल्यूएशन ऑफ फर्म हम लोग चार तरह से करेंगे। एक आपका ट्रेडिशनल मेथड, एक ट्रेडिशनल मेथड, दूसरा आपका एनओआई अप्रोच, नेट ऑपरेटिंग इनकम, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, थर्ड आपका आएगा एनआई अप्रोच, इट मींस नेट इनकम मेथड आपका आएगा, एंड फोर्थ एनआई इनकम आपका आएगा। फोर्थ आएगा आपका एमएम, मोडी ग्लानी एंड मिलर, उसके दो पार्ट हैं, एक विदाउट टैक्स और एक विद टैक्स। आर यू गेटिंग ऑन नॉट फ्रेंड्स? वैल्यूएशन ऑफ फर्म, वैल्यूएशन ऑफ फर्म हम लोग कैसे करेंगे फ्रेंड्स? एक ट्रेडिशनल मेथड, एक नेट ऑपरेटिंग इनकम एनओआई अप्रोच, एक एनआई अप्रोच इट मींस नेट इनकम अप्रोच, एक एमएम, एमएम में विदाउट टैक्स एंड विद टैक्स। बराबर। अभी सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वैल्यूएशन ऑफ फर्म का, सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है कि फ्रेंड्स आप टेक्निकली कंफ्यूज नहीं होना, आपको कुछ कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जैसा मैं आपको समझा रहा हूँ चीज़ों को, जैसा मैं चीज़ों को आपको समझा रहा हूँ, आपको सेम तरीके से उस चीज़ को समझना है तो आपको कभी दिक्कत होगा नहीं। जैसे सपोज आपका ये बैलेंस शीट है, ये आपका बैलेंस शीट है, सपोज से सोनू लिमिटेड, बराबर, ये आपके फिक्स एसेट्स एंड करेंट एसेट्स सपोज से 1000, आपका इक्विटी कैपिटल 500, आपके डिवेंचर हैं 10% से 500 एंड आपका 1000 और आपका 1000, बराबर।
आपका ईबीआईटी आता है, आपका ईबीआईटी आता है सपोज से 100 रुपीज, ओके, और आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी है से 10%। अब आप बोलोगे सर व्हाट इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी, क्योंकि हम लोगों ने आपको अभी तक इक्विटी कैपिटल का कॉस्ट या डेब्ट का कॉस्ट या ये सब चीजें अभी तक सिखाई नहीं, बराबर है। तो आपको समझना, देखो सबसे पहले हमारा निकल के आता है ईबीआईटी, इसको ही हम लोग बोलते हैं नेट ऑपरेटिंग इनकम। व्हाट इज योर ईबीआईटी, योर ईबीआईटी इज 100, उसमें से हम माइनस करते हैं इंटरेस्ट। व्हाट इज योर इंटरेस्ट, 500 का 10%, इसको बोलते हैं 50, आपको मिलेगा अर्निंग बिफोर टैक्स इज 50। अब इसके अंदर जब हम लोग वैल्यूएशन ऑफ फॉर्म करते हैं, वैल्यूएशन ऑफ फॉर्म करते हैं, चाहे वो ट्रेडिशनल है, चाहे वो एनओआई अप्रोच है, चाहे वो एनआई अप्रोच है, चाहे वो मोडी गिलानी मिल्लर है, लेकिन मोडी गिलानी मिल्लर में टैक्स वाला पार्ट में अलग से करा दूंगा, कुछ भी आपको आपको ये कुछ डिफरेंस या टेक्निकल टर्म समझने की जरूरत नहीं है, आपको समझने की जरूरत है ये टर्म्स। इसका मतलब एनओआई 100 है, आपका इंटरेस्ट 50 है, ये होता है आपका के कॉस्ट ऑफ इक्विटी, मीन्स ये जो पैसा आपका अवेलेबल है। इसमें एक बेसिक अजम्पशन होता है कि ओनली दो तरह के ही फंड होते हैं, एक इक्विटी फंड और एक डेब्ट फंड। उसके बाद डेब्ट को इंटरेस्ट देने के बाद जो भी पैसा बचेगा वो 100% किस में, डिविडेंड में डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। देर इज नो टैक्स, देर इज नो टैक्स स्पेसिफिकली एमएम अप्रोच में बोलेगा, मैं लास्ट में आपको बताऊंगा, मोडी गिलानी मिल्लर में वो आपको बोलेगा, उस टाइम पे अपन अलग से करेंगे, यहां पे अगर नहीं बोला है तो टैक्स जीरो आपको लेना है, बराबर है। अब देखो आपने पैसा कितना कमाया, अर्निंग बिफोर टैक्स कितना है आपका 50, और आपका केई, सपोज केई आपको दे रखा 10%, इसका मतलब आपका वैल्यूएशन ऑफ फर्म हो गया अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय केई। आपका अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना है फ्रेंड्स, 50, आपका केई कितना है 0.10, इसका मतलब वैल्यूएशन ऑफ आपका इक्विटी कितना हो जाएगा, वैल्यूएशन ऑफ फर्म, वैल्यूएशन ऑफ फर्म में क्या आएगा आपका इक्विटी का वैल्यू आ गया, तो वैल्यूएशन ऑफ फर्म इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, डेब्ट प्लस इक्विटी, डेब्ट आपका हो जाएगा 500, वो तो आपको दे ही रखा है, और इक्विटी आपका हो जाएगा 500, और आपका वैल्यूएशन ऑफ फर्म कितना हो जाएगा 1000। ये एक एक कंसेप्ट को आप समझो करके ना, तो ही आपको वैल्यूएशन ऑफ फर्म समझ में आएगा। आर यू गेटिंग ऑन नॉट, सही है सर, आर यू गेटिंग ऑन नॉट फ्रेंड्स, ये वाला पार्ट आपको क्लियर हो रहा है। सबसे पहले अपन ने क्या लिया, ईबीआईटी, उसमें से इंटरेस्ट माइनस किया, अपने को आ गया अर्निंग बिफोर टैक्स, दैट अर्निंग बिफोर टैक्स इज ओनली अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर होल्डर का एक्सपेक्टेशन क्या है, 10 है तो मेरा वैल्यू ऑफ फॉर्म क्या होगा 100, अगर मेरा 50 है तो मेरा वैल्यूएशन ऑफ फॉर्म क्या होगा 500। सही है सुनो फ्रेंड्स, बराबर, इज दिस क्लियर। आपको क्या दे रखा था क्वेश्चन में, के ई, आपसे क्या पूछ रहा है, वैल्यूएशन ऑफ फॉर्म, वैल्यूएशन फॉर्म हमने निकाल दिया, बराबर, ईबीआईटी आपको दे ही रखा था, ठीक है, ये आपका के ई 10%, ईबीआईटी आपको दे रखा है, इंटरेस्ट आपको दे रखा है ये। अब आपको बोलता है कि फाइंड आउट द ओवरऑल कॉस्ट, इट मीन्स के ओ, ओवरऑल कॉस्ट को बोलेंगे के ओ, इट मीन्स योर ईबीआईटी डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ फर्म, वैल्यू ऑफ फर्म डिवाइड इन टू योर डेब्ट एंड योर इक्विटी। आपका डेब्ट कितना है 500, आपका इक्विटी कितना है 500, ये आपका कितना है 1000।
और आप कमा कितना रहे हैं, आपका ईबीआईटी कितना है 100 इंटू 100 एंड दिस कम्स टू 10%, आपका ओवरऑल कॉस्ट क्या आ जाएगा 10%। इसको क्या बोलेंगे, KO। ये आपको देखना है क्वेश्चन में KE है या आपका KO है। अगर आपका KO है तो आपको यहां से स्टार्ट करना है, और आपका KE है तो आपको यहां से स्टार्ट करना है, बराबर। तो इसका मतलब KO आपका होगा, दिस इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ फर्म। वैल्यू ऑफ फर्म आपका क्या रहेगा, वैल्यू ऑफ इक्विटी और वैल्यू ऑफ डेब्ट, बराबर है। KE आपका क्या रहेगा, दिस इज योर ईबीटी डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ इक्विटी, और इसका तो वैल्यू आपको दे ही रखा होगा। कभी कभी आपसे पूछेगा फाइंड आउट द, इज दिस क्लियर होना, ये KO आपका हो गया। कभी कभी आपसे बोलेगा फाइंड आउट द वेटेड एवरेज कॉस्ट, इट मीन्स सपोज दिस इज योर स्टेटमेंट शोइंग वेटेड एवरेज कॉस्ट, स्टेटमेंट शोइंग वेटेड एवरेज कॉस्ट पर्टिकुलर्स, आपका डेब्ट है, आपका इक्विटी है, वेट 500 आपका डेब्ट था प्रीवियस एग्जाम्पल में, 500 आपका ये है, मिलके आपको क्या हो जाएगा 1000, ये आपकी क्या हुई मार्केट वैल्यू। अब वेट, इट मीन्स 500 डिवाइडेड बाई 1000 इज 0.5, 500 डिवाइडेड बाई 1000 इज 0.5, कॉस्ट आपका 10%, इट मीन्स वेटेड एवरेज कॉस्ट इक्वल टू 5% एंड दिस कम्स टू 10%। प्रीवियस एग्जाम्पल में, सेम एग्जाम्पल में आपको डेप दे रखा था 500 इक्विटी, हम लोगों ने कॉस्ट निकाला, ये वेट निकाला 1000 से, 500 को 1000 से डिवाइड किया 500, ये वेट आ गया, ये कॉस्ट है, ये वेटेड एवरेज कॉस्ट। वेटेड एवरेज कॉस्ट मींस क्या, आपका कॉस्ट एंड मल्टीप्लाई बाय वेट। अब जब जो जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इसमें समझने की है, आपको क्वेश्चन में पिकअप करना है कि क्वेश्चन में के ई दे रखा है या क्वेश्चन में के ओ दे रखा है। आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, के ई दे रखा है या को के ओ दे रखा है। के ओ मीन्स दिस इज योर ओवरऑल कॉस्ट, ओवरऑल कॉस्ट। के ई दे रखा है इसका मतलब दिस इज योर कॉस्ट ऑफ इक्विटी, दिस इज योर कॉस्ट ऑफ इक्विटी, दिस इज योर ओवरऑल कॉस्ट एंड दिस इज योर कॉस्ट ऑफ इक्विटी। आपको क्वेश्चन में देख के पता करना है कि के ओ है या के ई है, बराबर है। अगर आपको जैसे सपोज अगर आपको के ई है तो कैसे निकालेंगे आप, इट मीन्स दिस इज योर ई बी आई टी जो भी आपको दे रखा है लेस इंटरेस्ट जो बचेगा, दिस इज योर अर्निंग बिफोर टैक्स, अर्निंग बिफोर टैक्स जो भी वैल्यू है, अगर ये है इट मीन्स वैल्यू ऑफ इक्विटी आपका रहेगा, वैल्यू ऑफ इक्विटी इक्वल टू अर्निंग बिफोर टैक्स डिवाइडेड बाय के ई, वैल्यू ऑफ इक्विटी, ओके। वैल्यू ऑफ फर्म इट मीन्स वैल्यू ऑफ फर्म, वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ डेप्ट। अगर आपको एनओआई है राइट, और आपको के ओ आपको दे रखा है, के ओ आपको दे रखा है, तो आपको ईवीआईटी डिवाइडेड बाई अगर आप के ओ करोगे तो आपको क्या आएगा वैल्यू ऑफ फर्म। वैल्यू ऑफ फर्म को दो में डिवाइड करने का डेप्ट एंड इक्विटी,
डेप्ट का हमेशा आपको वैल्यू देके रखेगा, इक्विटी का आपको निकालना है। अगर आपसे पूछेगा के ओ निकालो, तो के ओ क्या होता है आपका, ई बी आई टी डिवाइडेड बाई वैल्यू ऑफ फर्म। वैल्यू ऑफ फर्म आपका क्या होता है, डेप्ट एंड इक्विटी। वैल्यू ऑफ फर्म आपका क्या होता है, डेप्ट एंड इक्विटी। वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन के ऊपर, कुछ एग्जांपल्स करेंगे तो। बाकी आपको कुछ लफड़े में पढ़ने की जरूरत नहीं है कि ये ट्रेडिशनल है, ये एनओआई है, ये एनआई है। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इसमें। एमएम अप्रोच है, एमएम है तो नाम देगा, ट्रेडिशनल, इनमें कुछ जरूरत नहीं है। जैसा सिचुएशन है वैसा आप कर लीजिए। ये एक टैक्स वाला हो सकता है, मैं अलग से कराऊंगा आपको, और एक विदाउट टैक्स वाला हो सकता है। सही है, सुनो राइट। अब जरा क्वेश्चंस आप देखेंगे तो आपको चीजें क्लियर होंगी। आपको मुझे बताना है कि क्या क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। अब आप आ जाइए, सबसे पहले अपन को दे रखा है इलस्ट्रेशन वन, पेज नंबर 5.2। रूपा लिमिटेड ईबीआईटी इज 5 लाख, द कंपनी हैज 10% 20 लाख डिवेंचर, द इक्विटी कैपिटलाइजेशन, यस के ई, के ई आपको क्या दे रखा है, 16%। इसका मतलब वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी निकालने के लिए अर्निंग बिफोर टैक्स, इट मींस दिस इज योर ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट आपको मिलेगा अर्निंग बिफोर टैक्स। ये आपका होता है के ई और ये आपका होता है के ओ। आपको दे रखा है के ई 16%, आपको ये अमाउंट होना चाहिए। ये होता है के ओ और ये होता है के ई, है ना। अब आपको क्या दे रखा है, रूपा लिमिटेड ईबीआईटी, ईबीआईटी रुपीस 5 लाख, इंटरेस्ट कॉस्ट, इंटरेस्ट कॉस्ट 20 लाख का 10% इज 2 लाख एंड दिस कम्स टू 3 लाख, ठीक है। सो योर वैल्यू ऑफ इक्विटी विल बी ईबीटी डिवाइडेड बाय के ई। ईबीटी आपका 3 लाख डिवाइडेड बाय 16%, सब आपको लिखा हुआ है, जस्ट आप कॉन्सेंट्रेट करिए। 3 लाख डिवाइडेड बाय 0.16 इज 18,75,000। दिस इज द वैल्यू ऑफ इक्विटी। इसी में आप वैल्यू ऑफ डेब्ट, लोन आपको दे ही रखा है, लोन अमाउंट कितना हो गया 5 लाख, आपका वैल्यू ऑफ फर्म आ जाएगा 23,75,000। आपको क्वेश्चन में ये देखना कि के ई दे रखा है कि के ओ दे रखा है, के ई दे रखा है कि के ओ दे रखा है। सही है सुनो फ्रेंड्स, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी एंड वैल्यू ऑफ फर्म, ओवरऑल कॉस्ट, ओवरऑल कॉस्ट मैंने आपको क्या बताया था, के ओ इज ईबीआईटी अपॉन वैल्यू ऑफ फर्म। व्हाट इज द ईबीआईटी, ईबीआईटी इज 5 लाख, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फर्म, वैल्यू ऑफ फर्म इज 23,75,000 इंटू 100, इट मीन्स 5 लाख डिवाइडेड बाय 23,75 इंटू 100 एंड दिस कम्स टू योर वैल्यू ऑफ डेप्ट आपका दे रखा है 20 लाख ना फ्रेंड्स, सॉरी दिस इज वैल्यू ऑफ डेप्ट, यहाँ पे मिस्टेक हुआ। वैल्यू ऑफ डेप्ट आपको दे रखा है 20 लाख, टोटल आपका हो जाएगा 38,75,000। ये आपका क्या हो गया, वैल्यू ऑफ फर्म, बराबर। सो ईबीआईटी मैंने क्या बोला, केओ, केओ कैसे निकालेंगे, इट मींस 5 लाख आपका ईबीआईटी है डिवाइडेड बाय
38,75,000 इंटू 100 एंड दिस इज योर, इट मीन्स 5 लैक्स डिवाइडेड बाई 38,75,000 इंटू 100 इज 12.90%। सही है, आपको क्वेश्चन में देखना है कि के ई है, इसका मतलब ये जो पैसा है, दो ही तरह के फंड होंगे, या तो डेप्ट डिवेंचर रहेगा या इक्विटी रहेगा। डिवेंचर पे आपका इंटरेस्ट है, अगर के ई है तो ये वाला फॉर्मूला लेना है, ओके, और के ओ है तो ये देखना है, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन के अंदर। के ई आपका निकल के आ गया 16%, के ओ आपका निकल के आ गया 12.9%। और दूसरे तरीके से भी अपन कर सकते हैं, कैसे, इसको वेटेड एवरेज कॉस्ट से भी अपन कर सकते हैं। इट मीन्स दिस इज योर, स्टेटमेंट शोइंग वेटेड एवरेज कॉस्ट, पर्टिकुलर्स, मार्केट वैल्यू, वेट कॉस्ट, वेटेड एवरेज कॉस्ट, पर्टिकुलर्स, डेप्ट, इक्विटी। डेप्ट है 20 लैक्स, इक्विटी है 18,75,000, मिलके हो गया 38,75। 20 20 डिवाइड बाई 38.75 इज 0.51। 1875 डिवाइडेड बाई 3875 इज 0.49। दिस इज वन, ये प्रपोर्शन इसका 20 डिवाइडेड बाई 3875 ये आएगा, 1875 3875 ये आएगा। कॉस्ट, कॉस्ट, कॉस्ट अपन ने निकाला था, अपना इक्विटी का कॉस्ट अपन को दे रखा है 16, है ना, और डिबेंचर का कॉस्ट अपन को दे रखा है 10। इट मीन्स 5.1, 16 इंटू 0.49 इज 7.84। 5.1 + 7.84 is 12.94 approximately, ये वाला आ जाएगा। आपको क्वेश्चन को देख के पता करना है कि क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, के ओ है, क्या आपको दे रखा है, वो आपको देखना है। सही आ सुना, आर यू फॉलोइंग फ्रेंड्स, बोलो क्लियर हो रहा है, सही है। बोलिए, किसी भी तरीके से करिए, एकदम इजी है करके ना। देखो अभी नेक्स्ट लो, आपको और क्लियर होगा। दिस इज योर इलस्ट्रेशन 2, पेज नंबर 5.2। इंदिरा लिमिटेड हैज एन ईबीआईटी ऑफ 1 लाख।
The company makes use both debt and equity capital. The form 10% debenture 5 lakh and the form equity capitalization rate is 15%. You are required to compute the total value of form and overall cost. आपको क्या दे रखा है? Equity capitalization, it means KE, EBIT, बोलो EBIT, उसमें से माइनस करेंगे इंटरेस्ट, ये आ जाएगा अर्निंग बिफोर टैक्स, और ये किसके लिए अवेलेबल होता है? इक्विटी शेयर के लिए, इसका मतलब KE, यहां होता तो KO, याद आ रहा है फ्रेंड्स? के ओके, अब आप आ जाइए पहला, सबसे पहले स्टेटमेंट शोइंग EBIT, और EBIT इज रुपीज 1 lakh लेस इंटरेस्ट. व्हाट इज द इंटरेस्ट? मेक्स यूज ऑफ डेब्ट इक्विटी. द फॉर्म हैज 10% डिवेंचर, इट मींस 5 लैक्स का 10% इज 50,000, अर्निंग बिफोर टैक्सेस 50,000. ये आपका के ई होता है, ये आपका के ओ होता है, बराबर. सो वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी इक्वल टू बोलो ईबीटी डिवाइडेड बाय के ई. ईबीटी कितना है अपने पास? 50,000. के ई कितना है अपने पास? के ई है 15 × 100 एंड दिस कम्स टू 50,000 डिवाइडेड बाय 0.15 इज 50,000 डिवाइडेड बाय 0.15 इज 3,33,333. टोटल वैल्यू ऑफ फर्म, इट मीन्स वैल्यू ऑफ फर्म क्या होता है बोलो? वैल्यू ऑफ डेब्ट, वैल्यू ऑफ इक्विटी. वैल्यू ऑफ इक्विटी कितना है? 3,33,333. वैल्यू ऑफ डेब्ट क्या है? वैल्यू ऑफ डेब्ट आपको दे रखा है 5 lakh rupees एंड दिस इज 833,333. ओवरऑल कॉस्ट के ओ, इट मीन्स ई बी आई टी डिवाइडेड बाई वैल्यू ऑफ फर्म. ई बी आई टी 1 lakh डिवाइडेड बाई वैल्यू ऑफ फर्म इंटू 100, इट मीन्स 1 lakh डिवाइडेड बाई 833,333 इंटू 100 एंड दिस कम्स टू योर 12% ओवरऑल कॉस्ट. 2 मिनट का समय, बोलिए. आपको यह देखना है कि के ई है या के ओ है. क्या देखना है फ्रेंड्स आपको? के ई है या के ओ है. आपको क्या देखना है? के ई है या के ओ है. यह आपका वैल्यू ऑफ फॉर्म हो गया, यह आपका के ओ हो गया. आपको क्वेश्चन में क्या देखना है? के ओ है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, के ई है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, डिपेंड करेगा. ऑलराइट फ्रेंड्स, अब आप आ जाइए योर इलस्ट्रेशन 3 पेज नंबर 5.4. इलस्ट्रेशन 3 पेज नंबर 5.4. डिटरमाइन द ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ ए कंपनी फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन. डिटरमाइन द ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ ए कंपनी फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन. देयर आर ऑप्शन 1, 2, 3, 4, 5, 6. पर्टिकुलर्स, डेब्ट, इक्विटी. अब देखो पहले में क्या बोल रहा है. ऑप्शन 1, कॉस्ट ऑफ डेब्ट है 11%, कॉस्ट ऑफ इक्विटी है 13%,
परसेंटेज ऑफ डेप्ट आपका क्या दे रखा है, अब देखो कैसे करेंगे, परसेंटेज ऑफ डेप्ट आपका क्या है, जीरो, तो इक्विटी का वेट क्या हो जाएगा ऑटोमेटिकली वन, और कॉस्ट आप दे रखा है मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका वेटेड एवरेज कॉस्ट आ जाएगा, है ना। डेप्ट इक्विटी जीरो वन देखो, एंड डेप्ट का रेट है 11%, इक्विटी का है 13%, मल्टीप्लाई किया 13% आ जाएगा। सेकंड में बोलो डेप्ट एंड इक्विटी, डेप्ट कितना है, परसेंटेज ऑफ डेप्ट ऑन टोटल इक्विटी 0.10, तो इक्विटी कितना रहेगा 0.9, सही है सुनो। सेकंड ऑप्शन में आपका डेप्ट का परसेंटेज कितना है 0.10, ये वेट हो गया आपका, इक्विटी का कितना हो जाएगा 0.9, कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दो आपका आ जाएगा। और इनमें पहले वाले में कॉस्ट आ रहा है 13%, सेकंड में 12.8, थर्ड में 13.52, 14.1, 14.8, 16.5, 18.8, सबसे लोएस्ट कॉस्ट जो आ रहा है दैट इज इन सेकंड ऑप्शन, से यस ऑर नो फ्रेंड्स, आर यू फॉलोइंग ऑर नॉट, कैन यू रिफर क्वेश्चन 4, इलस्ट्रेशन 4, इलस्ट्रेशन 4, पेज नंबर 5.5। अमिता लिमिटेड ऑपरेटिंग इनकम EBIT 5 लाख, द फर्म कॉस्ट ऑफ डेप्ट इज 10% एंड करेंटली फर्म्स एम्प्लॉय 15 लाख डेप्ट, द ओवरऑल कॉस्ट KO, देखो अब द फर्म इज 15%, KO इट मीन्स बोलो EBIT माइनस इंटरेस्ट इज EBT, ये KE आएगा, ये KO आएगा, सही है सर। अमिता लिमिटेड ऑपरेटिंग इनकम EBIT 5 लाख, द फर्म कॉस्ट ऑफ डेप्ट 10%, करेंटली फर्म एम्प्लॉय 15 लाख ऑफ डेप्ट, द ओवरऑल कॉस्ट इज 15%, देखो जरा, इट मीन्स EBIT बराबर, EBIT आपको क्या दे रखा है, रुपीज 5 लाख, इट मीन्स वैल्यू ऑफ फर्म क्या होता है, EBIT अपॉन KO, बराबर, EBIT आपको क्या दे रखा है, रुपीज 5 लाख, KO आपको क्या दे रखा है, ओवरऑल कॉस्ट 15%, इट मीन्स इनटू 100, सो दिस कम्स टू 5 लाख इनटू 100 डिवाइडेड बाय 15 इज 33,333, ये आपका क्या हो गया, वैल्यू ऑफ फर्म, वैल्यू ऑफ फर्म यू डिवाइड इनटू डेप्ट एंड इक्विटी, वैल्यू ऑफ फर्म 33,333, आपका डेप्ट आपको दे रखा है 15 लाख, इसका मतलब आपका इक्विटी हो जाएगा लेस 15 लाख इज 18,33,333, टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म हो गया, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इट मीन्स योर EBIT कितना है फ्रेंड्स 5 लाख, माइनस बोलो इंटरेस्ट कितना है 15 लाख का 10%, 15 लाख का 10% इज 150, ये अर्निंग बिफोर टैक्स इज 350, इट मीन्स योर KE विल बी 350 डिवाइडेड बाई मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी इज 18,33,333 इंटू 100, एंड दिस विल बी
3,50,000 डिवाइडेड बाई 1833,333 × 100 एंड दिस कम्स टू 19.09 19.09%। बोलो यस और नो फ्रेंड्स। आपको क्वेश्चन को देख के आपको ये पता करना है कि व्हाट इज दिस गिवन। आपको क्या क्वेश्चन में क्या दे क्या रखा है वो आपको देखना है करके ना। क्या दे रखा था अपने को क्वेश्चन में? अमिता लिमिटेड ऑपरेटिंग ईबीआईटी कितना दे रखा था उसने? 5,00,000। द फर्म कॉस्ट ऑफ डेप्ट इज 10%। फर्म कॉस्ट ऑफ डेप्ट इज 10% एंड करेंटली एम्प्लॉय 15,00,000 डेप्ट। द ओवरऑल कॉस्ट इज 15%। ओवरऑल कॉस्ट आपको के ओ आपको दे रखा था। के ओ आपको दे रखा था 15%। इसका मतलब कौन सा फॉर्मूला लगेगा? KO वैल्यू ऑफ फॉर्म, KO ये वैल्यू ऑफ फॉर्म आ जाएगा। डेप्ट है आपके पास, इक्विटी है आपके पास, सही है। सुनो राइट फ्रेंड्स, अब देखिए यू रेफर इलस्ट्रेशन 5 पेज नंबर 5.6। अल्फा एंड बीटा लिमिटेड आइडेंटिकल एक्सेप्ट फॉर कैपिटल स्ट्रक्चर। अल्फा लिमिटेड हैज 50% डेप्ट एंड 50% इक्विटी, whereas beta limited has 20% debt and 80% equity. All percentages are in market value terms. The borrowing rate for both companies are 8% for no tax. Tax आपका क्या है? Zero. ठीक है. And the capital market assumed to be perfect. ठीक है. If you own 2% share of Alpha Limited, determine your return if the company has net operating income. It means NOI. नेट ऑपरेटिंग इनकम ऑफ रुपीज 360 एंड ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट फॉर कंपनी के ओ आपको दे रखा है 18%। कैलकुलेट द इम्प्लाइड रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी अल्फा लिमिटेड। बीटा लिमिटेड हैज द सेम नेट ऑपरेटिंग इनकम एज अल्फा लिमिटेड। कैलकुलेट द इम्प्लाइड रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी बीटा लिमिटेड। एनालाइज व्हाई डज इट, पहले गिवन करके लिख लेते हैं साहब ना फ्रेंड्स। योर नोट नंबर 1 हम लोग कर रहे हैं, इलस्ट्रेशन 5 एंड पेज नंबर 5.6। दिस इज अल्फा लिमिटेड एंड बीटा लिमिटेड। अल्फा लिमिटेड बीटा आइडेंटिकल। दिस अल्फा लिमिटेड हैज 50% डेप्ट 50% इक्विटी। डेप्ट 50% इक्विटी 50%। Where is beta limited 20% debt and 80% equity? KD दोनों का दे रखा है आपको 8%। If you have owned 2% share of Alpha Limited, determine your return if the company has net 2% shares हैं आपके पास, shares 2%, ओके, डिटरमाइन योर रिटर्न, ठीक है,
एंड आपको दे रखा है नेट ऑपरेटिंग इनकम, इट मींस ईबीआईटी, नेट ऑपरेटिंग इनकम. एक होती है नेट इनकम, एक होती है नेट ऑपरेटिंग इनकम. ओके, तो ईबीआईटी, ईबीआईटी आपको दे रखा है रुपीज 3,16,000. इफ यू हैव 2% डिटरमाइन योर रिटर्न, इफ द कंपनी हैज नेट ऑपरेटिंग 360 एंड ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट इज 18%. ओके, और के ओ आपको दे रखा है 18%. इफ यू ओन 2% ऑफ द शेयर्स अल्फा लिमिटेड, डिटरमाइन योर रिटर्न, इफ द कंपनी हैज नेट ऑपरेटिंग इनकम 360 एंड ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट ऑफ द कंपनी के ओ इज, कैलकुलेट द इम्प्लाइड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द इक्विटी ऑफ अल्फा लिमिटेड. नाउ बीटा लिमिटेड हैज द सेम नेट ऑपरेटिंग इनकम 3,60,000. बीटा लिमिटेड हैज द सेम नेट ऑपरेटिंग इनकम एज अल्फा लिमिटेड. कैलकुलेट द इम्प्लाइड रेट रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ बीटा लिमिटेड. एनालाइज वाई डज इट डिफर फ्रॉम दैट ऑफ अल्फा लिमिटेड. ठीक है, और केओ दोनों का आपको क्या दे रखा है, कैलकुलेट द बीटा लिमिटेड एट द सेम नेट ऑपरेटिंग इनकम. राइट, द बोरोइंग रेट फॉर बोथ द कंपनीज 8% एंड द कैपिटल मार्केट एज्यूम टू बी दिस करके ना, एंड दिस इज योर 18%. ठीक है, फर्स्ट दिस इज योर अल्फा लिमिटेड. ऑल राइट, ईबीआईटी आपको दे रखा है 3,60,000. राइट, तो और ओवरऑल को, इसका मतलब वैल्यू ऑफ फर्म इक्वल टू योर ईबीआईटी अपॉन केओ, 3,60,000 अपॉन के ओ 18 इंटू 100 एंड दिस कम्स टू 20,00,000. सो वैल्यू ऑफ फर्म इज रुपीज 20,00,000. दिस शुड डिवाइड इन टू डेप्ट एंड इक्विटी. डेप्ट 50% है, इक्विटी 50% है, 10,00,000 एंड 10,00,000. से यस और नो? से यस और नो? आपको क्या दे रखा है बोलो, आपको दे रखा है अल्फा लिमिटेड, बीटा लिमिटेड, डेप्ट 50-50, इक्विटी केडी 8%, शेयर्स आपके पास 2% हैं, 360 है, केओ. तो केओ है तो आपका वैल्यू ऑफ फर्म कैसे निकलेगा, के मैंने आपको क्या बताया था बोलो, इट मींस ईबीआईटी, ईबीआईटी आपका कितना दे रखा है फ्रेंड्स 360 माइनस, अगर इंटरेस्ट करेंगे 10,00,000 का 8%, 80,000, इट मींस 360 माइनस 80 इज 280. दिस इज योर अर्निंग बिफोर टैक्स. ये आपको दे रखा के ओ, के ओ है तो आपका वैल्यूएशन ऑफ फर्म निकल के आ गया. यस सर, ये आपका जो पैसा है वो किसको चला जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर को. राइट, अब आपसे क्या पूछ रहा है, ए इफ यू ओन 2% शेयर ऑफ अल्फा लिमिटेड, डिटरमाइन योर रिटर्न, इफ द कंपनी हैज नेट ऑपरेटिंग, तो आपका रिटर्न कितना हो जाएगा 2,80,000. तो 2% है आपका तो इंटू 2,80,000, दिस कम्स टू 5,600.
एंड दिस इज योर आंसर ए वन, दिस इज योर रिटर्न ऑन इक्विटी. If you own 2% of the shares of Alpha Limited, determine your return. If the company has net operating income 360 and overall capitalization it is 4. Calculate the implied required rate of return on equity of Alpha Limited. तो equity को कितना मिलेगा? It means KE. मैंने आपको क्या बताया था? Earning after tax divided by value of equity. Earning after tax आपका कितना है? 2,80,000. राइट, वैल्यू ऑफ इक्विटी कितना है आपका? 10 lakhs इंटू 100 एंड दिस कम्स टू 28%. से यस नो फ्रेंड्स? बोलो. 2% अगर आपके पास शेयर हैं तो आपको कितना रिटर्न मिल जाएगा? 5,600. और के ई मैंने आपको क्या बताया? नहीं जी, परफेक्टली क्लियर होना. Are you following friends? Follow. पर अब क्या बोल रहे हैं? बीटा लिमिटेड हैज द सेम नेट ऑपरेटिंग इनकम एज अल्फा लिमिटेड, कैलकुलेट द इंप्लाइड रिटर्न ऑन इक्विटी. अगेन सेम ईबीआईटी, दिस इज योर नाउ आंसर नंबर बी एंड वन. ईबीआईटी आपका कितना है? 360 माइनस इंटरेस्ट 80% आपका ये है ना, इंटरेस्ट. तो आपको मिलेगा ईबीटी, बराबर है? केओ ईबीआईटी आपको क्या मिलेगा? वैल्यू ऑफ फर्म. के ओ है 360, ये 18 इंटू 100, दिस कम्स टू 20 lakhs. डेप्ट इक्विटी, डेप्ट 20%, इक्विटी 80%, दिस इज 16 lakhs, दिस इज 4 lakh. इसका मतलब 4 lakh, what is the interest rate? 4 lakhs, what is the interest rate? 8% is 32,000. It means 3,60,000 minus 32 is 328. बराबर, ये के ई होता है, ये के ओ होता है. सही है, सुनो भाई. अब क्या पूछ रहा है? कैलकुलेट द इंप्लाइड रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी. तो इक्विटी कितना है आपका? 16 lakhs, और आपको मिल कितना रहा है? 328. इट मीन्स के ई आपका होगा, दिस इज योर आंसर नंबर बी वन. इट मीन्स 3,28,000 डिवाइडेड बाई 16 lakhs इंटू 100. इट मीन्स 328 डिवाइडेड बाई 1600 इंटू 100 एंड दिस कम्स टू
20.5%, एनालाइज वाई डज इट डिफर फ्रॉम अल्फा लिमिटेड. अल्फा लिमिटेड का कितना था और बीटा लिमिटेड का कितना है, क्योंकि अल्फा लिमिटेड में जो 50% लोग थे वो 8% पैसा लेके निकल गए, बराबर. यहां पे ओनली 20% लोग ही जा रहे हैं, इसका मतलब इसके लिए इसका ये कम आ रहा है करके ना भाई. अल्फा में क्या था, आप जो कमा रहे हो, आप कमा रहे हो कितना, 18%. 18 में से 50% लोग 9% लेके चले गए, तो रिमेनिंग 15 को कितना बचा, आप कमा रहे हो कितना, 80, तो आपका जो वैल्यू है वो बढ़ रहा है ना करके. आर यू गेटिंग ऑर नॉट. अल्फा में क्या था आपका शेयर, 50% 50%, तो 50% लोग क्या है, आप कमा रहे हो 18% अल्फा में, और 50% लोग 8% लेके चले गए, तो बाकी के 50 को तो ज्यादा मिलेगा ना. यहां पे आप कमा रहे हो 18% और 20% लोग ही लेके जा रहे हैं 8%, तो बाकी के जो 80% है उनको तो कम ही मिलेगा ना. आर यू गेटिंग ऑन नॉट. सो एनालाइज वाइज डज इट डिफर फ्रॉम दैट अल्फा लिमिटेड. Are you getting? भाई यहां पे जो आपने पैसा कमाया 18% आपने पैसा कमाया, उसमें से 50% लोग 8% लेके चले गए, तो रिमेनिंग आपको कितना मिल गया, 8% ही लेके गई ना, बाकी के जो रिमेनिंग है उनको तो ज्यादा मिलेगा ना 18 में से. इसके लिए उसका रेट ज्यादा है, क्योंकि इसका कितना आ रहा है आपका 2,80,000 किसके ऊपर है, 10 लाख, तो 28% आ रहा है. इसका कितना है, इसका आ रहा है ओनली, यहां पे देखो अगर अपन कंपेयर करें ये अल्फा और ये बीटा, बराबर, इनका ईबीआईटी कितना है, 360, देन इंटरेस्ट में क्या है, 10 लाख इंटू 8%, 80,000 लेके चले गए, बाकी के 10 लाख को आपको कितना मिल रहा है, 280 ना, 10 लाख लोग, 10 लाख वाले लोग 8% लेके चले गए, बाकी के जो 10 लाख बचे हैं उनको ये मिल रहा है, तो इसका मतलब 280 डिवाइडेड बाई 10 लाख इंटू 100 एंड दिस कम्स टू 28%, बराबर है. एनालाइज वाई डज डिफरेंस अल्फा में कितना है, अब यहाँ पे कितना है, ओनली 20% ही है, इसका मतलब 4 लाख इंटू 8% 32,000 रुपीज लेके गए, आपको कितना बचा, 328. अब 328 कितने लोगों को मिल रहा है, 10 लाख को 280 मिल रहा है, ये 16 लाख को 328 मिल रहा है, इसके लिए इसका कम आ रहे हैं 20.5. सही है सर, फ्रेंड्स, परफेक्टली क्लियर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है. सो एनालाइज व्हाई देयर इज अ डिफरेंस. तो ये इसमें क्या हुआ ना, 10 लाख लोग 80% लेके चले गए, यहां पे खाली 4 लाख लोग ही लेके गए 8%, यहां पे 280 मिल रहा है 10 लाख वैल्यूएशन पे, यहां पे मिल रहा है 328. ओके, ठीक है, सो ऑलराइट फ्रेंड्स, सो नाउ वी विल कंटिन्यू विद आर्बिट्रेज. राइट, देखो मैंने आपको कल क्या बताया था कि दो तरह की अपनी फॉर्म हो सकती हैं, वन इज ए लीवर्ड फॉर्म एंड वन इज ए अनलीवर्ड फॉर्म. इसका मतलब इसके अंदर आपका लोन और डिवेंचर
मीन्स आपका रिस्क रहेगा, और इसके अंदर नो लोन और डिवेंचर। कभी कभी क्या रहता है, इसका वैल्यू ज़्यादा रहेगा, इसका वैल्यू कम रहेगा, कभी कभी इसका वैल्यू ज़्यादा रहेगा, इसका वैल्यू कम रहेगा। तो ये पर्टिकुलर केस में हम लोग अपना जो इन्वेस्टमेंट है उसको क्या कर सकते हैं, उसको आर्बिट्रेज कर सकते हैं करके ना, एंड बाई आर्बिट्रेज प्रोसेस वी कैन मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। इट्स अ वेरी सिंपल टाइप ऑफ यू नो कॉन्सेप्ट, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। तो आर्बिट्रेज प्रोसेस में आपको देखना है या तो आपका लीवर्ड फॉर्म है या आपका अनलीवर्ड फॉर्म है। इसमें लोन रहेगा तो वो लीवर्ड फॉर्म होता है, अगर आपका लोन नहीं रहेगा तो, कभी कभी इसका ज़्यादा रहेगा तो इसका कम रहेगा, कभी इसका ज़्यादा रहेगा तो इसका कम रहेगा। ओके, ऑल राइट। सो कैन यू नाउ टेक क्वेश्चन नंबर 6, पेज नंबर 5.7। दिस इज योर इलस्ट्रेशन 6, पेज नंबर 5.7। इलस्ट्रेशन 6, पेज नंबर 5.7। आर यू फॉलोइंग फ्रेंड्स? बोलो, आर्बिट्रेज प्रोसेस, अनलीवर्ड फॉर्म, लीडर फॉर्म, लोन डिवेंचर रहेगा इसमें, और इसमें नो लोन रहेगा, राइट। अपने को ये देखना है कि कैसे हम एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में अपने इन्वेस्टमेंट को आर्बिट्रेज करें टू मैक्सिमाइज द रिटर्न करके ना, शेयर होल्डर को क्या मैक्सिमाइज द रिटर्न मिलेगा। ओके, अब आप आ जाइए, दिस इज योर इलस्ट्रेशन 6, पेज नंबर 5.7। ठीक है, एक बार रीड कर लेंगे। व्हेन द वैल्यू ऑफ लीवर्ड फॉर्म इज मोर देन द वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फॉर्म, आपका यहाँ पे आपका क्या रहेगा, लीवर्ड फॉर्म का ज़्यादा वैल्यू रहेगा और अनलीवर्ड फॉर्म का आपका कम वैल्यू रहेगा। There are two companies N and M. When the value of levered firm is more than the value of unlevered firm, there are two companies N Limited, M Limited having same earning before interest and tax EBIT 20,000. M Limited is a levered company having a debt of 1,07% per annum. The cost of equity N Limited 10%. एंड एम लिमिटेड 11.5%। ओके, तो पहले गिवन करके अपन वैल्यूएशन ऑफ फॉर्म कर लेते हैं। इट मीन्स दिस इज स्टेटमेंट शोइंग वैल्यूएशन ऑफ फर्म, स्टेटमेंट शोइंग वैल्यूएशन ऑफ फर्म। एक है आपका, देर आर टू कंपनीज, ओके, देर आर टू कंपनीज एन लिमिटेड एंड एम लिमिटेड। ठीक है, देर आर टू कंपनीज एन लिमिटेड एंड एम लिमिटेड हैविंग द सेम अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस 20,000। इट मीन्स आपका EBIT आएगा 20,000 और 20,000। M Limited is a levered company, ठीक है, इट मीन्स ये आपका क्या हो जाएगा, unlevered company, लेस, ओके। सो M Limited is levered company having a debt 1 lakh, इट मीन्स देर इज ए इंटरेस्ट 1 lakh into 7%, 7,000, ये अर्निंग बिफोर टैक्स 20,000 एंड 13,000। ठीक है, नाउ अर्निंग बिफोर टैक्स इसका मतलब के ई, मैंने आपको क्या बोला था, अगर ये रहता तो यहाँ पे क्या बोलता था, के ओ, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है फ्रेंड्स? इट मीन्स वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी विल बी 20,000 इंटू 100 एंड 13,000 इंटू एम का है 11.5% और इसका है 10%। इट मीन्स
वैल्यू ऑफ इक्विटी विल बी 2 lakhs एंड दिस इज 13,000 डिवाइडेड बाई 11.5 इज 1,13,043 1,13,043 प्लस वैल्यू ऑफ डेप्ट, यहां पे आपका डेप्ट नहीं है लेकिन यहां पे आपका डेप्ट है 1 lakh. इट मीन्स आपका वैल्यू ऑफ फॉर्म क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ फॉर्म 2 lakhs है एंड वैल्यू ऑफ फॉर्म 2,13,043. ओके, व्हेन द वैल्यू ऑफ लीवर्ड फॉर्म इज मोर देन द दिस इज मोर. सही है सुनो फ्रेंड्स, एक एक पॉइंट आपको क्लियर हो रहा है कि नहीं? आर्बिट्रेज प्रोसेस बोलते हैं इसको. हाँ बोलो. पहला, देयर आर टू कंपनीज एन एंड एम, इसमें अनलीवर्ड है इसमें लीवर्ड है क्योंकि इसके अंदर लोन एंड डिवेंचर है. अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इसमें 20,000 इसमें 20,000, इंटरेस्ट 1 lakh का 7% 7,000, ईबीटी 20,000 13,000, ये के ही है और इसको के ओ बोलते हैं. वैल्यू ऑफ इक्विटी हो जाएगी आपकी, वैल्यू ऑफ इक्विटी बोलो क्या था, याद है फॉर्मूला, बोलो वैल्यू ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला क्या था. वैल्यू ऑफ इक्विटी आपके रेफरेंस के लिए लिख देता हूं, अर्निंग बिफोर टैक्स डिवाइडेड बाई के ई. के ई आपको दे रखा है, द कॉस्ट ऑफ इक्विटी एन इज 10, द कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज एन इज 10 एंड द कॉस्ट ऑफ इक्विटी एम इज 11.5. तो ये हम लोगों ने ऑन द बेसिस ऑफ दिस फॉर्मूला हम लोगों ने क्या निकाल दिया, दिस इज वॉट योर, ये आपका वैल्यू ऑफ इक्विटी आ जाएगा फ्रेंड्स. बोलो वैल्यू ऑफ इक्विटी, ये वैल्यू ऑफ डेप्ट, ये वैल्यू ऑफ फर्म, दिस इज मोर. अब सपोज मानो आपके पास, नाउ देर आर टू कंपनीज एन एंड एम हैविंग द सेम अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ईबीआईटी 20,000. एम लिमिटेड इज लीवर्ड कंपनी हैविंग ए डेप्ट ऑफ 1 lakh एट द रेट ऑफ 7% पर एनम एंड द कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ एन इज 10% ऑफ एम 11. कंप्यूट द हाउ आर्बिट्रेज प्रोसेस विल कैरीड आउट. सपोज अगर आप इसके 10% शेयर बेच देते हो, बराबर, अगर आप इसका 10% शेयर, शेयर मीन्स बोथ इक्विटी एंड डिवेंचर, अगर आप इसका 10% शेयर बेचते हो बराबर और इसका 10% खरीदते हो तो उससे क्या फर्क पड़ेगा. इट मीन्स दिस इज योर स्टेटमेंट शोइंग, ओके, कंप्यूट हाउ आर्बिट्रेज प्रोसेस विल बी कैरी डाउन. स्टेटमेंट शोइंग दिस इज प्रॉफिट एंड लॉस ड्यू टू आर्बिट्रेज. सही है, अगर आपने 10% शेयर बेचे, इट मीन्स 10% ऑफ 2,13,043 आपके पास पैसा आएगा 21,304 बराबर. आपका प्रेजेंट इनकम कितना था, आपको प्रेजेंट इनकम हो रहा था, एक तो 10% आपको क्या मिल रहा था, इंटरेस्ट. इट मीन्स 7,000 का 10% आपका क्या आएगा, 700 प्लस आपको डिविडेंड जो बचा उसको क्या बोलेंगे, डिविडेंड, बराबर. आपका डिविडेंड इनकम आपका हो जाएगा, इट मीन्स 13,000, ओके, का 10%, इट मीन्स 1,300 टोटल आपका इनकम हुआ 2,000. लेकिन प्रपोज्ड इनकम
आपका प्रपोज्ड इनकम हो जाएगा, आप देखो ये 2 लाख के वैल्यूएशन पे कितना प्रॉफिट है, 20,000। इट मींस 20,000 मिलेगा शेयर होल्डर को, 2 लाख वाले को, राइट। अभी हम पूरा कितना पैसा डाल रहे हैं, 21,304। सो दिस इज योर, बोलो, 2 लाख का 20,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख इंटू 21,304 इज 2,130। इट मीन्स टोटल 2,000 आपका, पहले आपको इनकम हो रहा था 2,000 का, अब आपको इनकम होगा 2,130। 2,130 माइनस 2,000 आपको इनकम इंक्रीज हो जाएगा कितने से, 130। ये आपको क्लियर हुआ कि नहीं? ये आपका एक तरीका है आर्बिट्रेज प्रोसेस करने का। देखो क्या किया अपन ने, पहले वैल्यूएशन ऑफ फर्म किया, वैल्यूएशन ऑफ फर्म फॉर एन, वैल्यूएशन फर्म फॉर एम, एन इज ए अनलिवर्ड फर्म, एम इज ए लिवर्ड फर्म। ईबीआईटी ले लिया दोनों का, इंटरेस्ट माइनस किया, आपका ईबीटी आ गया, ठीक है। ईबीटी से वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी आपको, क्योंकि केई आपको दे रखा है, मैंने आपको बोला था यहाँ पे केई लगता है आपका, और अगर यहां पर रहेगा तो आपको के ओ लगता है, बराबर। तो के ई मिल गया आपका, वैल्यूएशन ऑफ फर्म हो गया, वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी आ गया, वैल्यूएशन ऑफ डेट। अब ये बोल रहा है कि किसका ज्यादा है, मींस फर्म एम, एम लिवर्ड कंपनी है, उसका इन्वेस्टमेंट ज्यादा है। इसका मतलब होगा 10% शेयर को, इसका 10% शेयर अगर ये यहां से यहां शिफ्ट कर देता है तो क्या होगा, आपको 213043 का 10%, 213043 का 10% आपको कितना मिलेगा, 21,303। उसका प्रेजेंट इनकम क्या है, एक तो आपका इंटरेस्ट चला जाएगा 10%, एक आपका जो डिविडेंड था वो भी चला जाएगा, क्योंकि 13,000 रुपीज में से आप देते हैं। प्रपोज्ड इनकम आपको ये हो जाएगा और इंक्रीज आपका ये हो जाएगा, दैट इज द प्रॉफिट एंड लॉस ड्यू टू द आर्बिट्रेज प्रोसेस। इस तरह से हम लोग इसको आर्बिट्रेज कर सकते हैं करें। तो कभी कोई क्वेश्चन में आएगा, कंप्यूट द हाउ आर्बिट्रेज प्रोसेस विल बी कैरीड आउट, या तो एक ये तरीका है, या अपन एक दूसरा तरीका भी कर सकते हैं। आप मुझे बताइए, इज दिस क्लियर ऑन नॉट फ्रेंड्स? ऑल राइट। या फिर अपन एक दूसरा तरीका भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, वो कैसे रहेगा वो भी जरा आप समझ लीजिए। पहले आप बताइए यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ आपका, आर्बिट्रेज प्रोसेस आपको एकदम क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है, आप मुझे बताइए। से यस और नो फ्रेंड्स? या अपन दूसरा ऐसा कर सकते हैं, सपोज से आपका यहां पे 10% इन्वेस्टमेंट है, इसने कितने में बेचा अपना, सपोज इन्वेस्टमेंट इज 213043 का 10% इज 21,304। दूसरी कंपनी इन्वेस्टमेंट इन एन करेंगे तो 10% इन्वेस्टमेंट कितने का है, से 2 लाख का, इट मीन्स 20,000। तो अपने पास आइडल फंड कितना रहेगा, आइडल फंड रहेगा अपने पास 1,304। अब प्रेजेंट इनकम आपको क्या हो रहा था, प्रेजेंट इनकम आपको 20,000 पे क्या हो रहा था, इट मीन्स 10% ऑफ इंटरेस्ट 13,000, सॉरी 10% ऑफ इंटरेस्ट 7,000 इज 700, 10% डिविडेंड इट मीन्स 13,000 इज 1,300, 2,000, और प्रपोज्ड इनकम
प्रपोज्ड इनकम ये कहाँ से होगा, एन से, ये कहाँ पे हो रहा था, एम, ये आपने एम का इन्वेस्टमेंट सोल्ड किया, आपने एन का इन्वेस्टमेंट लिया, आपके पास पैसा बच गया 10% प्रपोज्ड इनकम, इट मीन्स 20,000 हम लोग दे रहे हैं किसके लिए, का 10% इज 2,000, सो इनकम पे देर इज नो इम्पैक्ट, लेकिन आपका फंड बच जाएगा आपके पास 1304. दिस पार्ट इज क्लियर ऑन नॉट फ्रेंड्स, इन्वेस्टमेंट दिस इन्वेस्टमेंट इज एन, आइडल फंड आपका ये हो जाएगा, प्रेजेंट इनकम 10% इंटरेस्ट, ये डिविडेंड, ये प्रपोज्ड इनकम. से यस ऑन फ्रेंड्स, यहां पे क्या था, इफ द लीवर्ड फॉर्म इज मोर देन द अनलीवर्ड फॉर्म. अब मैं आपका एक क्वेश्चन ले लेता हूं जहां पे आपका अनलीवर्ड इज मोर देन द लीवर्ड. पहले आप ये बताइए यहां तक क्लियर हो, ऐसे भी कर सकते हैं 10% अगर इसका इन्वेस्टमेंट अपन बेचेंगे तो अपन को टोटल कितना आएगा, ये अमाउंट आ जाएगा, उसमें से 10% इसका खरीदा तो इतना इन्वेस्ट होगा, ये हमारे पास बैलेंस बच जाएगा. इससे भी हमें 2000 का इनकम हो रहा था और अभी भी हमें 2000 का इनकम हो रहा है, तो इनकम पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन हमारा इन्वेस्टमेंट बच जाएगा कितने से, 1304. से यस ऑर नो फ्रेंड्स, दिस इज योर आर्बिट्रेज प्रोसेस अपना चल रहा है. ओके, तो मैंने इसको अरेंज किया है, इसके बाद पहले मैं आपका ले लेता हूं योर क्वेश्चन नंबर 8, इट मीन्स इलस्ट्रेशन 8, राइट, एंड योर पेज नंबर 5.9. अगेन 5.9 यहां पे दे रखा है अपने को, व्हेन वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फॉर्म इज मोर देन द वैल्यू ऑफ लीवर्ड फॉर्म, व्हेन वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फॉर्म इज मोर देन द वैल्यू ऑफ लीवर्ड फॉर्म. देर आर टू कंपनीज यू एंड एल हैविंग सेम NOI, नेट ऑपरेटिंग इनकम. NOI मीन्स नेट ऑपरेटिंग इनकम, नेट ऑपरेटिंग इनकम, और इसको अपन क्या बोलते हैं, EBIT, ठीक है. 20,000 एक्सेप्ट L इज ए लीवर्ड कंपनी हैविंग ए डेप्ट ऑफ 1 lakh, 7% एंड द कॉस्ट ऑफ इक्विटी यू लिमिटेड एंड एल लिमिटेड 10 and 18 पर कंप्यूट. पहले तो वैल्यूएशन ऑफ फॉर्म कर लेंगे, और वैल्यूएशन फॉर्म में तो आप मास्टर हो, बोलो कौन सा लगेगा फॉर्मूला, के ई दे रखा है, अंडरलाइन करो के ई दे रखा है, इसका मतलब वैल्यूएशन ऑफ फर्म विल बी अर्निंग बिफोर टैक्स डिवाइडेड बाय के ई, तो उससे आपको क्या मिलेगा, वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी एड डेप्ट, क्या मिलेगा, वैल्यूएशन ऑफ फर्म. बोलो, इट मीन्स ये आपके पास, स्टेटमेंट showing valuation of firm, companies, there are two companies, U Limited and L Limited, having NOI, it means earning before interest and tax, this is 20,000, that levered company having a debt, it means interest 1 lakh ka 7%. There are two companies, U Limited, it means unlevered, L Limited means levered, having a some NOI 20,000, except that L Limited is a levered company having a debt of 1 lakh, it means 1 lakh ka 7%, 7,000, this is 20,000 and
13,000, ठीक है। देन वैल्यू ऑफ इक्विटी 20,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 10, 13,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 18, सही है सुनो फ्रेंड्स, के ई दे रखा है ना, के ई, अगर के ओ दिया होता तो इसको कैपिटलाइज करते थे, राइट, के ई दे रखा है ना, इट मींस वैल्यू ऑफ इक्विटी विल बी, वैल्यू ऑफ इक्विटी विल बी 2 lakhs, हियर 13,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 18 इज 72,222. देन वैल्यू ऑफ डेप्ट, वैल्यू ऑफ डेप्ट nil, वैल्यू ऑफ डेप्ट 1 lakh, इट मीन्स 2 lakhs, दिस इज योर वैल्यू ऑफ फर्म, दिस इज 172,222 वैल्यू ऑफ फर्म, सही है सुनो फ्रेंड्स, बोलो स्टेटमेंट शोइंग दिस इज योर वैल्यूएशन ऑफ फर्म, दो है, यू लिमिटेड इज ए अनलिवर्ड फर्म, एल लिमिटेड इज ए लिवर्ड फर्म, अनलिवर्ड मतलब क्या होता है, जिसमें डेप्ट नहीं रहेगा, लिवर्ड मीन्स जिसमें डेप्ट रहेगा, ठीक है, ईबीआईटी आपको दे रखा है, सही है सुनो फ्रेंड्स, देन के ओ लगता, लेकिन अपने को के ही दे रखा है, तो इसको कैपिटलाइज करने के लिए अपने को ईबीटी निकालना पड़ेगा, ईबीआईटी में से अगर आप इंटरेस्ट माइनस कर दोगे आपको क्या आ जाएगा, ईबीटी, ईबीटी के ही आपको दे रखा है, उससे वैल्यू ऑफ इक्विटी आ जाएगी, एट डेप्ट वैल्यू ऑफ फर्म आपको आ जाएगा, सही है सुनो फ्रेंड्स, बोलो प्रॉपर एकदम क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है फ्रेंड्स, बोलो परफेक्टली क्लियर, नो कन्फ्यूजन, ये कंसेप्चुअली अगर आप जाओगे ना तो आपको मजा आएगा लेक्चर में, एक अनलिवर्ड फॉर्म है, एक लिवर्ड फॉर्म है, अब क्या दे रखा है, के ई दे रखा है कि के ओ दे रखा है, के ई दे रखा है तो ईबीटी को कैपिटलाइज करेंगे, के ओ दे रखा है तो ईबीआईटी को कैपिटलाइज करेंगे, आर यू गेटिंग ऑन, अब ये बोल रहे कि अगर मैं ये 10% शेयर बेचता हूं, इसका 10% बेचता हूं शेयर और इसका 10 खरीदता हूं, तो व्हाट इज द प्रॉफिट एंड लॉस, इट मींस देखो दिस इज स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट एंड लॉस ड्यू टू आर्बिट्रेज प्रोसेस, ड्यू टू आर्बिट्रेज प्रोसेस, सही है सुनो फ्रेंड्स, स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट एंड लॉस ड्यू टू आर्बिट्रेज प्रोसेस, बोलो प्रॉपर, अब देखो पहला, एट प्रेजेंट इफ आई If I sold 10% of U Limited, I'll get 20,000. What is my present income? My present income will be 10% of 20,000 is 2,000. ठीक है? If I invest in L Limited, it means L Limited का total income 20 किसके लिए है, 172,222 और अपना investment है 20,000, इट मीन्स 20,000 डिवाइडेड बाई 172,222 इंटू 20 इज 23,22.58 इंक्रीज इन इनकम
विल बी 2322.58 माइनस 2000. इनकम विल इंक्रीज बाय 322.58. सो यस और नो फ्रेंड्स, आर यू फॉलोइंग ऑन? स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट एंड लॉस इफ सोल्ड 10% प्रेजेंट इनकम इफ इन्वेस्ट इन दिस इंक्रीज. That is the one process. Follow? आपका इनकम कितने से बढ़ जाएगा बोलो? जो इनकम विल इंक्रीज बाय 2322. या फिर यू कैन गो बाय अनदर कॉन्सेप्ट. आपको अगर फंड रखना है तो आप क्या करेंगे? अब देखिए, सपोज अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो सपोज 10% ऑफ यू लिमिटेड विल बी 10% ऑफ फर्म वैल्यू 2 लैक्स इज 20,000. अब इसका 10% खरीदा तो 10% ऑफ एल लिमिटेड इज 172,222 का 10% इज 17,222. बैलेंस इज 20 लेस 17,222 इज 2778. ये आपके पास बैलेंस बच जाएगा. अब इनकम पे आ जाओ. इनकम 10% ऑफ यू इज 2000. इनकम 10% ऑफ एल इज 2000. इनकम पे देर इज नो इफेक्ट, खाली आपका इन्वेस्टमेंट सेव हो जाएगा बाय 2778. कितने से सेव हो जाएगा आपका? 2778 से. आपका कितने से हो जाएगा? 2778 से आपका इन्वेस्टमेंट सेव हो जाएगा. पैसा आपका 20,000 की जगह 17 पे भी आपको उतना ही रिटर्न मिलेगा. बाकी का पैसा यू कैन इन्वेस्ट समवेयर एल्स वेयर यू विल गेट द प्रॉफिट करके. ना, आर यू गेटिंग? सम मोर एग्जांपल्स हम लोग डिस्कस कर लेते हैं. इसमें आपका मॉड्यूल पूरा मैं कवर अप कर ले रहा हूं इसमें. ना, क्वेश्चन इलस्ट्रेशन 7 पेज नंबर 5.11. Following data is available in respect of two companies having same risk. Illustration 7, page number 5.11. Following data is available in respect of two companies having the same business risk. Capital employed 2 lakh, EBIT 30,000. KE का मतलब क्या हो गया बोलो? KE होता है EBT, earning before tax divided by valuation of इक्विटी. अब आपको के ई दे रखा है, आपको ईबीटी दे रखा है, तो आपका क्या निकलेगा? वैल्यू ऑफ इक्विटी. सो वैल्यू ऑफ इक्विटी इक्वल टू ईबीटी डिवाइडेड बाय के ई. वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी विल बी योर दिस एंड दिस. राइट, आपका वैल्यू कैसे होगा वो आप ध्यान रखें. के ओ हो, ये दिस इज योर ईबीआईटी. ईबीआईटी मींस के ओ होता है लेस, अगर इंटरेस्ट कर देंगे
जो बचेगा ईबीटी, तो ये रहेगा आपका के ई, ये आप बराबर से समझिए के ई और के ओ का डिफरेंस, ठीक है। आ जाइए अब कैपिटल एम्प्लॉय 2 लैक्स, ओके, सोर्स लिवर्ड कंपनी अनलिवर्ड कंपनी एंड इन्वेस्टर होल्डिंग 15% शेयर इन लिवर्ड कंपनी, कैलकुलेट द इंक्रीज इन एनुअल अर्निंग ऑफ इन्वेस्टर इफ स्विचेज हिज होल्डिंग फ्रॉम लिवर्ड टू अनलिवर्ड कंपनी। इट मीन्स दिस इज स्टेटमेंट शोइंग वैल्यूएशन ऑफ फर्म फॉलोइंग डाटा इज अवेलेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ टू कंपनीज हैविंग द सेम बिजनेस रिस्क, कैपिटल एम्प्लॉयड ईबीआईटी के लीवर्ड कंपनी है, एक अनलीवर्ड कंपनी ईबीआईटी। ईबीआईटी कितना है फ्रेंड्स? 30,000। देन इंटरेस्ट, व्हाट इज द इंटरेस्ट डेप्ट का? 1 लाख का 10%, 10,000 वैल्यू ऑफ इक्विटी विल बी 20,000। ईबीटी क्या है फॉर्मूला बोलो? ईबीटी डिवाइडेड बाय के इक्वल टू वैल्यू ऑफ इक्विटी 20,000, के 12.5, 30,000 12.5 इंटू 100 इंटू 100 टोटल विल बी 20,000 इन 200 डिवाइडेड बाई 12.5 इज 20,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 12.5 इज 1,60,000, बराबर। प्लस वैल्यू ऑफ डेप्ट 1 लाख, आपका वैल्यू ऑफ फर्म क्या हो जाएगा? 260, बराबर है। 30,000 डिवाइडेड बाई 12.5 इंटू 100 एंड दिस कम्स टू 2,40,000, इसके अंदर ये नहीं है 240, ये वाला पार्ट क्लियर हुआ है। बोलिए पहला लीवर्ड फॉर्म है अनलीवर्ड फॉर्म है, ईबीआईटी आपको दे रखा है, माइनस इंटरेस्ट किया आपका ईबीटी आ जाएगा, वैल्यू ऑफ इक्विटी आ जाएगा, दिस इज द वैल्यू ऑफ इक्विटी, वैल्यू ऑफ डेब्ट एंड वैल्यू ऑफ फर्म, वैल्यू ऑफ फर्म आपका ये आ जाएगा, ये क्लियर हुआ करें। अब ये क्या बोल रहा है कि मैं 15% शेयर है, जो 15% मेरा शेयर है उसको मैं स्विच ऑन करूँगा, कहाँ पे? कहाँ पे क्या बोल रहा है? एन इन्वेस्टर होल्डिंग 15% लीवर्ड कंपनी, लीवर्ड कंपनी में 15% है, उसको बेचेगा और अनलीवर्ड में डालेगा। इट मींस स्टेटमेंट शोइंग होल्डिंग इफ द इन्वेस्टर कैलकुलेट द इंक्रीज इन एनुअल अर्निंग, स्टेटमेंट शोइंग इंक्रीमेंटल प्रॉफिट एंड लॉस, ओके। सो लीवर्ड कंपनी 10%, उसका क्या इनकम था? 10% ऑफ इंटरेस्ट इनकम, 10% ऑफ डिविडेंड इनकम, ये जो ये इंटरेस्ट मिलेगा उसको और बाकी का जो मिलेगा वो डिविडेंड मिलेगा। इट मीन्स 10,000 इज 1,000 एंड 20,000 इज 2,000, इसका मतलब प्रेजेंट इनका अर्निंग कितना है? 3,000,
ओके अब प्रपोज्ड अर्निंग इट मींस 30,000, अब ये 15% शेयर बेचेगा, इट मींस 2,60,000 का अगर 50% बेच देगा, सो 260 का है ना फ्रेंड्स अपना टोटल इन्वेस्टमेंट है 260 का ना फ्रेंड, 260 का इन्वेस्टमेंट, इट मींस इन्वेस्टमेंट वैल्यू ये बेचेगा, हाँ 260 का 15%, इट मींस 260 का 15% इज 39,000, 260 का 15% इज 39,000, सही है सुनो फ्रेंड्स। अब 39 इसमें इन्वेस्ट करेगा, इसका मतलब 30,000 का प्रॉफिट है व्हेन द सेल इज 240, इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू इज 240, तो 39 के लिए कितना हो जाएगा, इट मींस 30,000 डिवाइडेड बाय 2,40,000 इंटू 39 इज 4,875, इट मींस सॉरी दिस इज 15% इनकम है ना फ्रेंड्स, इसका 15% शेयर बेच रहा है ना, सॉरी दिस इज 15%, सो 15% ऑफ इंटरेस्ट 10,000 क्या हो जाएगा 1,500, एंड 15% ऑफ डिविडेंड 20,000 इज 3,000, टोटल इनकम 4,500, अब आपका कितना हो रहा है, तो इंक्रीज बाय 4,875 माइनस 4,500, इट मींस 4,875 माइनस 4,500 इंक्रीज हो जाएगा 370, इंक्रीज बाय 375, क्लियर नॉट, इसका 15% अगर शेयर बेचेगा बराबर, और 15% इसमें डालेगा, तो 15 बेचेगा तो इसका 10,000 का एक इनकम था, 15% ऑफ 10,000 वो चला जाएगा, और 20,000 का 15% 3,000, इट मीन्स टोटल 4,500, अब 15% इसमें डालेगा बराबर, तो इसका कितना है, इट मीन्स इसका इनकम है 30,000, 30,000 किसके लिए है 2,40,000 के लिए, और 15% बेचेगा तो कितना पैसा मिलेगा 39 इसमें डालेगा, इनकम कितना होगा, तो इनकम इंक्रीज बाई कितना हो जाएगा 375, बोलो या सुनो फ्रेंड्स, बोलो या सुनो फ्रेंड्स, प्रॉपर ऑलराइट, अब आप आ जाइए, दिस इज योर इलस्ट्रेशन 9 पेज नंबर 5.12, इलस्ट्रेशन 9 पेज नंबर 5.12 से या सुनो फ्रेंड्स, आर यू गेटिंग, Following data is available in respect of two companies having the same business risk. Capital employed 2,00,000, EBIT 30,000. Levered company, unlevered company,
डेप्ट है 10%, 1 लाख, इक्विटी है 1 लाख, 2 लाख, केई है आपका 20% एंड 12.5%, ठीक है। लीवर्ड कंपनी है कि अनलीवर्ड, एंड इन्वेस्टर होल्डिंग 15% शेयर ऑफ अनलीवर्ड कंपनी, कैलकुलेट द इंक्रीज इन एनुअल अर्निंग इन्वेस्टर सिचुएस इज होल्डिंग फ्रॉम अनलीवर्ड टू लीवर्ड कंपनीज। अगेन सेम दिस इज योर वैल्यूएशन स्टेटमेंट शोइंग वैल्यूएशन ऑफ फर्म। लीवर्ड कंपनी, अनलीवर्ड कंपनी, ठीक है, ईबीआईटी इन रुपीज, व्हाट इज द ईबीआईटी इज 30,000, इज 30,000 लेस इंटरेस्ट, व्हाट इज द इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इज 1 लाख का 10%, 1 लाख का 10% इज 10,000, अर्निंग बिफोर टैक्स 20,30, के ई हो गया आपका, ये के ओ हो गया आपका, के ई आपको दे रखा है, के ई आपको दे रखा है, इसका मतलब वैल्यूएशन ऑफ क्या निकलेगा, इक्विटी 20,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 20, 30,000 डिवाइडेड बाई 12.5 इंटू 100, 20,000 डिवाइडेड बाई 0.2 कम्स टू 1 लाख, देन 30,000 डिवाइडेड बाई 12.5 इंटू 100 इज 2,40,000, ओके, एंड देन दिस इज योर वैल्यू ऑफ इक्विटी, वैल्यू ऑफ डेप्ट, व्हाट योर वैल्यू ऑफ डेप्ट, वैल्यू ऑफ डेप्ट इज 1 लाख, ये आपका हो जाएगा वैल्यू ऑफ फर्म 2 लाख एंड 2,40,000, सही है सर, स्टेटमेंट शोइंग वैल्यूएशन ऑफ फर्म, लीवर्ड कंपनी, अनलीवर्ड कंपनी, ईबीआईटी, इंटरेस्ट माइनस करो आपका ईबीटी आएगा, वैल्यू ऑफ इक्विटी आएगा आपका, राइट, एड ये आपका, ठीक है। एंड इन्वेस्टर होल्डिंग 15% शेयर इन अनलीवर्ड कंपनी, मतलब 15% शेयर उसका यहां पर है, इसको बेचेगा और इसको खरीदेगा तो उसको प्रॉफिट क्या होगा, इसको बेचेगा इसको खरीदेगा, इसका मतलब स्टेटमेंट शोइंग इंक्रीमेंटल प्रॉफिट और लॉस ड्यू टू आर्बिट्रेज, ड्यू टू आर्बिट्रेज इट मींस प्रेजेंट इनकम 30,000 इंटू 15% 4,500, ये इसका प्रेजेंट इनकम है। नाउ प्रपोज्ड इनकम, अगर ये 15% अपना बेचेगा तो क्या मिलेगा, 15% ऑफ 2,40,000, 2,40,000 इंटू 15% इज 36,000, इट मीन्स 30,000 इज फॉर 2 लाख, बराबर, तो 36,000 पे क्या आ जाएगा, इट मीन्स 30,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख इंटू 36, इट मीन्स 5,400, तो इंक्रीज कितना होगा, इंक्रीज बाय
5400 लेस 4500 इज 900। सही है सुनो फ्रेंड्स, ये यहाँ से 15% बेचेगा, बराबर है 15% बेचेगा, तो 15% जो इसका इनकम था, ये वाला इनकम, वो पूरा चला जाएगा करके ना, उसका 15% चला जाएगा। पैसा 15% बेचेगा 240 से कितना मिलेगा, 36 यहाँ पे डालेगा तो 30,000 किसको मिल रहा है, 2 लाख, 1 लाख सेम प्रोपोर्शन है ना, तो 2 लाख को, तो 36,000 को कितना मिलेगा, बताइए फ्रेंड्स, आराम से आप देख लीजिए, कहीं पे भी आपको लगता है कोई क्वेरी है तो प्लीज यू आस्क मी ना। ओके, अब आपका आता है फ्रेंड्स, दिस इज योर MM अप्रोच। MM अप्रोच में आपको ध्यान रखना है, एक हो सकता है विदाउट टैक्स, एक हो सकता है विद टैक्स। ओके, विदाउट टैक्स में आपका क्या रहेगा, एक रहेगा आपका अनलीवर्ड फॉर्म, एक आपका रहेगा लीवर्ड फॉर्म, एक आपका रहेगा अनलीवर्ड फॉर्म, एक आपका रहेगा लीवर्ड फॉर्म। अनलीवर्ड फॉर्म का जो वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी आएगा, क्योंकि अनलीवर्ड फॉर्म में इसमें डेप्ट क्या रहेगा, वैल्यू ऑफ डेप्ट आपका क्या रहेगा, जीरो, तो आपका वैल्यू ऑफ इक्विटी विल बी योर वैल्यू ऑफ फर्म। सो वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस टैक्स सेविंग्स आएगा आपका, दिस विल बी सिमिलरली वैल्यू ऑफ इक्विटी एंड वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस टैक्स सेविंग्स। वैल्यू ऑफ इक्विटी मींस वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म, अनलीवर्ड फर्म ये वाला, अनलीवर्ड फर्म प्लस टैक्स सेविंग विल बी योर वैल्यू ऑफ फर्म, मींस वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म जो भी आएगा, वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म, ये आपका रहा अनलीवर्ड का। तो लीवर्ड का वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म इक्वल टू वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म प्लस टैक्स सेविंग, इतना ही आपको ध्यान रखना है। एग्जाम्पल दो आगे है, मैं कराता हूं आपको। वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म, तो वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म अपन निकाल ही लेंगे डायरेक्टली, वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म कैसे करेंगे, वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म प्लस टैक्स सेविंग। सही है सुना भाई, एक जरा छोटा सा एग्जाम्पल है, क्वेश्चन 7 आप जरा देखिए, पेज नंबर 5.29। ओके, अच्छा क्वेश्चन है, जरा देखिए आप, क्वेश्चन 7 पेज नंबर 5.29। 1/3 ऑफ द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ संगमानी लिमिटेड कंसिस्ट ऑफ लोन स्टॉक विच एज ए कॉस्ट ऑफ 10%, अनदर कंपनी समसुई लिमिटेड इज आइडेंटिकल इन एवरी रेस्पेक्ट ऑफ संगमानी लिमिटेड एक्सेप्ट दैट द कैपिटल स्ट्रक्चर इन ऑल इक्विटी एंड इट्स इक्विटी इज 16% अकॉर्डिंग टू द मोदी गिलानी एंड मिल्लर। इफ वी इग्नोर टैक्सेशन एंड टैक्स रिलीफ ऑन डेब्ट, कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ, देखो ये क्या दे रखा है आपको, पहला है 1/3 ऑफ द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ संगमानी, पहला आप ले लो, दिस इज गिवन, दिस इज संगमानी
संग माने, वन थर्ड ऑफ द टोटल मार्केट वैल्यू, इट मीन्स इसका जो मार्केट वैल्यू है उसका वन थर्ड क्या है आपका हो गया डेब्ट, ठीक है। वन थर्ड ऑफ द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ संगमानी लिमिटेड इज लोन, इसका मतलब टू थर्ड क्या हो गया इक्विटी, ठीक है। वन थर्ड का मतलब हो गया 1/3 इक्वल टू 0.67 और टू थर्ड मीन्स पॉइंट 33 एंड 0.67 से, यह सुनो ओके। अब क्या बोल रहे हैं, आइडेंटिकली दिस एक्सेप्ट कैपिटल स्ट्रक्चर एंड इट्स कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज 16%, वन थर्ड ऑफ द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ संगमानी लिमिटेड लोन विच हैज ए कॉस्ट ऑफ 10%, इसका मतलब केडी आपका आ रहा है 10% एंड नो टैक्स है। अगर टैक्स रहेगा तो उतना अपने को टैक्स सेविंग मिल जाएगा, आपको मैंने बताया था राइट। और ये इसका मतलब इसका कॉस्ट अपने को पता नहीं है ओके। और अगर उसी में अगर अपन देखते हैं सैमसुई लिमिटेड इज आइडेंटिकल एज एवरी रेस्पेक्ट टू संगमानी लिमिटेड एक्सेप्ट द कैपिटल स्ट्रक्चर इज ऑल इक्विटी एंड इट्स इक्विटी, इट मींस इसका जो वैल्यू है दिस इज सैमसुई, सैमसुई 100% क्या है अनलीवर्ड, अनलीवर्ड मींस आपका के ई दे रखा है आपको, के ई आपको दे रखा है 16%, इट मीन दिस इज अ अनलीवर्ड फॉर्म एंड दिस इज ए लीवर्ड फॉर्म। नहीं, अब आपको लेके आना है 16% पे, आपका जो वेटेड एवरेज कॉस्ट है वो 16 पे आना चाहिए। पहले आपको ये क्लियर हुआ कि नहीं, ये आपका दे रखा है संगमानी का मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू डेब्ट है एंड इक्विटी है, ये वन थर्ड है, ये टू थर्ड है और यहाँ पे नो टैक्स है, संसुई एंड के ई है 16%, बराबर। मोडी गिलानी एंड मिलर इफ वी इग्नोर टैक्सेशन एंड टैक्स रिलीफ ऑन डेब्ट कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ संगमानी, संगमानी का अपने को कॉस्ट ऑफ इक्विटी पता करना है। मैंने आपको क्या बताया था फॉर्मूला बोलो, इट मींस वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म प्लस टैक्स सेविंग्स, इसका मतलब अब यहाँ पे इसका इक्विटी क्या आ रहा है 16%, टैक्स है ही नहीं, जीरो हो जाएगा, इसका मतलब इसका भी वैल्यूएशन क्या आएगा 16%, किसका संगमानी, या इसको अपन क्या कर सकते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल से भी कर सकते हैं। अनलीवर्ड का क्या आ रहा है आपका वैल्यू, अनलीवर्ड का आपका वैल्यू आ रहा है 16% एंड टैक्स सेविंग कितना है जीरो, तो ये क्या आ जाएगा 16, और इसको अपन वैसे भी कर सकते हैं जो मैंने आपको ओवरऑल कॉस्ट वाला बताया था ना, ओवरऑल कॉस्ट वाला, इट मीन्स स्टेटमेंट शोइंग वेटेड एवरेज कॉस्ट, कंपनी पर्टिकुलर्स वेट कॉस्ट
वेटेड एवरेज कॉस्ट। अब कंपनी पहले अपन ने ले ली, सैमसंग, पूरा की पूरा इक्विटी है, वेटे वन एंड कॉस्ट आपका 16% है, इट मीन्स वेटेड एवरेज कॉस्ट क्या आएगा 16। अब अपन को इसका भी कॉस्ट 16 लाना है संगमानी का, संगमानी का राइट। इक्विटी डेप्ट, इक्विटी कितना है 1/3 ऑफ द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ संगमानी इज ए लोन, इट मीन्स 0.33.67। ये आया इक्विटी 16 है, इट मीन्स 16 इंटू 0.33 कम्स टू अपने को इसका वैल्यू पता है लोन का। लोन का व्हाट इज द कॉस्ट 10%, लोन का कॉस्ट इज, सॉरी दिस इज लोन इज 0.33 एंड दिस इज 0.67, दिस इज 10, इट मीन्स 3.33 और अपन को चाहिए 16%, इट मीन्स 16 लेस 3.33 इज 12.67 डिवाइडेड बाय 0.67 एंड दिस कम्स टू 19%। मीन्स दोनों का जो वैल्यूएशन है वो आपको क्या मिल रहा है कॉस्ट, क्योंकि अपने को क्या पूछ रहा है, अपने को 1/3 ऑफ द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ संगमानी लिमिटेड इज ए लोन, तो 1/3 अपना लोन हो गया बराबर है, डेप्ट हो गया, उसका अपने को कॉस्ट पता है, तो ये कॉस्ट आ रही है अपनी करके ना, 1/3 ऑफ द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ संगमानी लिमिटेड इज ए लोन विच हैज ए कॉस्ट 10%, अनदर कंपनी सैमसंग लिमिटेड इज आइडेंटिकल इन एवरी रेस्पेक्ट टू संगमानी लिमिटेड एक्सेप्ट इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर इज ऑल इक्विटी, इसका पूरा की पूरा इक्विटी है बराबर, और इक्विटी में इसका कैपिटलाइजेशन रेट है 16%। अकॉर्डिंग टू द मोडी गिलानी एंड मिल्लर इफ वी इग्नोर टैक्सेशन एंड टैक्स रिलीफ फ्रॉम डेप्ट कैपिटल कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ संग। अब अपन को कॉस्ट ऑफ इक्विटी मीन्स दोनों का जो कॉस्ट है वो तो सेम आना चाहिए ना, ये कॉस्ट और ये कॉस्ट आपका क्या आना चाहिए सेम। ये आने के लिए आप अपन को ये वाला पार्ट तो पूरा पता है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा बैलेंसिंग फिगर, अपने को इक्विटी पता है, अपने को ये पता है, और इसको रिवर्स करेंगे तो ये आ जाएगा। से यस नो फ्रेंड्स, परफेक्टली क्लियर और नॉट, ओके। इसी में मैंने आपको आगे कराए हुए बहुत ध्यान से आपको देखा है मोडी गिलानी एंड मिल्लर में ना, एकदम सिंपल कंसेप्ट है, आपको एकदम ध्यान रखना है ठीक है इसका भी, क्योंकि देखो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि अगर देखो यही सब में अगर अपन इस तरह की बात करें, इसी सब में अगर अपन देखें क्वेश्चन 7 में ही, क्वेश्चन सेवन में पेज नंबर 5.29 पे मैंने आपको क्या बताया था कि एक है अपनी कंपनी यहां पे सैमसंग, सैमसंग की ओवरऑल कॉस्ट क्या है, इसका मतलब अगर आपका ईबीआईटी है इसको के ओ बोलते हैं, अगर अपन इंटरेस्ट माइनस कर दें तो जो बचेगा उसको बोलते हैं अर्निंग बिफोर टैक्स, ये आपका आएगा उसको बोलेंगे के ई, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी इसने क्या दे रखा है 16%, ये आपका क्या है नील, इसका मतलब के ओ भी आपका क्या होगा 16 बराबर है। दिस इज एज पर एमएम अप्रोच एंड वी आर गोइंग विदाउट टैक्स, विदाउट टैक्स बराबर। ईबीआईटी है पहले हम पैसा कमाएंगे, एजेंशन क्या है दो ही सोर्स होते हैं, एक होता है लोन का एक होता है इक्विटी का,
इसका मतलब लोन पे इंटरेस्ट देने के बाद जितना भी पैसा बचा इसको हम क्या बोलते हैं, फुल डिविडेंड। ये इंटरेस्ट देने के बाद जो बचेगा वो 100% किस में चला जाएगा, देश। इसका मतलब अगर यहाँ पे के ई आपका 16% है और आपको इंटरेस्ट नहीं है, इसका मतलब आपका के ओ बी क्या आएगा, 16%, बराबर। अब अपने को ये कंपनी का भी लाना है, अपने को इंटरेस्ट यहाँ पे पता है, अपने को इंटरेस्ट पता है 10%, बराबर। तो वैल्यू ऑफ अनलिवर्ड फर्म प्लस टैक्स सेविंग्स इक्वल टू वैल्यू ऑफ लीवर्ड फॉर्म होता है, बराबर। टैक्स सेविंग अपन का जीरो है क्वेश्चन में, और वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फॉर्म क्या है, 16%। इसका मतलब आपका क्या आ जाएगा, 16%। से यस और नो फ्रेंड्स। अब ये पर्टिकुलर सिचुएशन में इसके लिए मैंने आपको प्रीवियस एग्जाम्पल देखो आप जरा, ये आपको करके बताया। अगर इस तरह से आप करोगे 16%, तो ये आपका ओवरऑल कॉस्ट आ गया था 16%। 16 इंक्लूड्स डेब्ट एंड इक्विटी। आगे दो क्वेश्चन और मैंने कराए तो आपको एकदम और क्लियर हो जाएगा। इनकेस एनी प्रॉब्लम यू प्लीज आस्क। ओके, थैंक यू।